लोकल ट्रेन की वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा दिखते रहते हैं। लोकल ट्रेन में सफर करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हम अक्सर देखते हैं। लेकिन मुंबई के लोग इसमें एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। वहां के लोकल ट्रेन का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की जद्दोजहद साफ नजर आ रही है। दरअसल लोकल ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि उससे निकलना भी आसान नहीं होता है, और ऐसा ही कुछ इस शख्स के साथ भी हुआ। वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रेन में घुसने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि शख्स चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। आखिरकार उसके साथ धक्का मुक्की होने लगती है और वो खुद पैनिक हो जाता है। एक युवक से उसे इतनी जोरों की चोट लगती है कि वो शख्स जमीन पर गिर जाता है, लेकिन लोग खुद लोकल में चढ़ने में व्यस्त नजर आते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर @घर के कलेश पर शेयर किया गया है। वीडियो को अब तक 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। कई यूजर्स ने इस पर कमेंट भी किया है। ज्यादातर यूजर्स का यही कहना है कि मुंबई लोकल का हमेशा ऐसा ही हाल होता है, और सिर्फ मुंबई में रहने वाले ही इसमें सफर आराम से कर सकते हैं। एक युवक ने ऐसा लिखा है कि ये तो हर दिन की कहानी है, ये मुंबई का स्पिरिट नहीं बल्कि पापी पेट का सवाल है। दूसरे यूजर ने लिखा कि भीड़ वाकई क्रूर होती है। तीसरे यूजर ने ये लिखा कि नीचे उतरते हुए ये गुस्सा दूसरे पैसेंजर पर निकाल रहा है। तो वहीं चौथे ने लिखा कि ये कलेश तो रोज का है। बहरहाल आप इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। तो वहीं आपको ध्यान रहे कि मुंबई की लोकल ट्रेनों को शहर की लाइफलाइन भी कहा जाता है, और सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित भी होते हैं। मुंबई रेलवे विकास निगम के अनुसार औसतन उपनगरीय रेलवे 2,813 ट्रेन सेवाएं संचालित करता है, और वीकडेज में तकरीबन 8 मिलियन लोग इसमें यात्रा करते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनें निसंदेह दुनिया की सबसे व्यस्त रेल लाइनों में से एक है, मगर जिस प्रकार लोग इसमें खड़े होने, आगे जाने या फिर उतरने के लिए अक्सर ही लड़ जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक शहर के रूप में मुंबई का मिजाज दिख जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।